आज हमने एक नए तरीके से एकदम चटपटा और टेस्टी सेजवान ब्रेड पकोड़ा बनाया है। ये बहुत ही टेस्टी बनता है। आप इसे एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाना पसंद करेंगे। तो रेसिपी की शुरुआत करने से पहले, वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो रेसिपी की शुरुआत करते हैं और बनाते हैं एकदम टेस्टी और चटपटा सेजवान ब्रेड पकौड़ा। सेजवान मसाला बनाएंगे। कढ़ाई में 1 से 1.5 टेबलस्पून तेल गरम करने के लिए रख दिया है। 2 टेबलस्पून बारीक चॉप लहसुन। लहसुन को लाइटली भून लेते हैं। 1.5 टेबलस्पून बारीक चॉप अदरक। 1 हरी मिर्च बारीक चॉप करके ली है। तेज आंच पे कुछ सेकंड के लिए इसे भून लेते हैं। हरा धनिया की डंडी को एकदम बारीक काट के लिया है, ये 1 टेबलस्पून है। इसे भी कुछ सेकंड के लिए भून लेते हैं। 1 कप बारीक कटी पत्ता गोभी, 1/2 कप बारीक कटी शिमला मिर्च और 1/2 कप गाजर को कद्दूकस करके लिया है। ये अंदर डाल देंगे, मिक्स कर लेंगे। तेज आंच पे सब्जी को 1 मिनट भून लेते हैं। गैस की फ्लेम धीमी कर देंगे। 1 टीस्पून नमक, या नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। 2 टेबलस्पून टोमेटो केचप। साबुत कश्मीरी लाल मिर्ची को 1 घंटा पानी में भिगो के रखा था, थोड़ा सा गर्म पानी में भिगो के रखना है और इसकी पेस्ट बनाई है। ये 2 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्ची की पेस्ट है। 1 टीस्पून रेड चिली सॉस। गैस की फ्लेम तेज करके इसे मिक्स कर लेते हैं। 1 मिनट के लिए इसे भून लिया है तेज आंच पे। 1 टीस्पून व्हाइट विनेगर। 4 मीडियम साइज के आलू को उबाल लिया है और इसे छील के कद्दूकस किया है। ये अंदर डाल देंगे, अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अच्छे से मिक्स हो गया है। 1/4 कप हरा प्याज बारीक काट के लिया है, मिक्स कर देंगे। 1 टीस्पून विनेगर ऊपर से डालेंगे, व्हाइट विनेगर। आपके पास अगर विनेगर नहीं है तो आप नींबू का रस भी डाल सकते हैं। गैस ऑफ कर देंगे। सेजवान मसाला रेडी है। इसे रूम टेम्परेचर पे आ जाए तब तक ठंडा कर लेते हैं। पकौड़ा का बैटर बनाएंगे। 2 कप बेसन इसे छान के लिया है। 1/4 कप चावल का आटा। चावल का आटा अगर नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून रफली कुटी हुई काली मिर्च। 1 टीस्पून नमक, या नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। 2 पिंच बेकिंग सोडा, खाने का सोडा, मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के बैटर बनाएंगे। पहले से एकदम ज्यादा पानी नहीं डाल देना है, नहीं तो अंदर गुटलियां पड़ जाएगी। बैटर हमें बहुत ज्यादा पतला भी नहीं और बहुत ज्यादा गाढ़ा भी नहीं बनाना है। इतना गाढ़ा बैटर हमें बनाना है। आप देख सकते हैं ये आसानी से गिर रहा है। 250 ml कप का माप से 1 कप पानी डाल के बैटर बनाया है। बैटर को 2 से 3 मिनट अच्छे से फैट लेते हैं। मैंने यहाँ पे व्हाइट ब्रेड की स्लाइस ली है। आप कोई भी ब्रेड ले सकते हैं, मल्टीग्रेन या ब्राउन ब्रेड। आलू का मसाला भी ठंडा हो गया है। ब्रेड के ऊपर थोड़ा थोड़ा मसाला लगा लेंगे। मसाला थोड़ा अच्छे से लगाना है तो इसका टेस्ट अच्छा आएगा। इस तरह से मसाला लगा के ऊपर दूसरी ब्रेड रख देंगे। इसी तरह से मसाला लगा के ब्रेड की स्लाइस को रेडी कर लेते हैं। ब्रेड की स्लाइस को कट कर लेते हैं। इस तरह से सभी स्लाइस को ट्रायंगल में कट कर लेते हैं। बैटर में 1/4 कप बारीक कटा हुआ हरा प्याज डाल देंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तेल मैंने गरम करने के लिए रख दिया है। थोड़ा सा बैटर डाल के देख लेंगे गरम हुआ है कि नहीं। ये हो गया है। बैटर में हम ब्रेड को इस तरह से डिप करेंगे, इस तरह से घुमा के डाल देंगे। इसे हम तेज आंच पे ही फ्राई करेंगे।
थोड़ा फ्राई हो जाए इसके बाद इसे पलट लेना है। उलट पलट के इसे थोड़ा सा लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए तब तक इसे फ्राई किया है। ये हो गया है, इसे हम निकाल लेते हैं। इस तरह से हम ब्रेड पकौड़ा फ्राई कर लेते हैं। ब्रेड पकौड़ा मैंने फ्राई करके रेडी कर दिया है। एक पकौड़ा को हम काट के देखते हैं अंदर से कैसा दिखता है। अब देख सकते हैं बहुत ही अच्छा दिख रहा है। एकदम टेस्टी और चटपटा ब्रेड पकौड़ा रेडी है। आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें। रेसिपी आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। तो मिलेंगे अगले और एक नए वीडियो के साथ।